अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे थे। आई डायलॉग, एक चचा और उसके भतीजे के दरमियान गुफ्तगू थी। आइए उसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। अंकल दैट्स गुड, चचा जान ये कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम ग्लैड टू नो, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमिडिएटली, कि तुम्हारे भाई ने ये बात मुनासिब समझी कि तुम्हारी फौरन मदद शुरू कर दी जाए। आई नो, मैं जानता हूँ, ही इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छा उस्ताद है। व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, तुम्हारा क्या मंसूबा है मैट्रिक के इम्तिहानात पास करने के बाद? कासिम, कासिम कहता है, आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसन, मैंने फैसला किया है कि मैं तिब में जाऊंगा, मेडिकल के फील्ड में जाऊंगा। इफ़ आई गेट अ गुड पोजीशन, अगर मैं अच्छी पोजीशन हासिल करता हूँ। इफ़ हाउएवर, अगर तहम आई डोंट गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबर नहीं ले पाता, आई मे गो इन टू बिज़नेस और एग्रीकल्चर, तो शायद मैं जाऊँ कारोबार में या फिर ज़रात में। अंकल वाट एवर योर प्लान्स फॉर लाइफ, और अंकल कहते हैं, चाचा जान, कासिम कासिम, तुम्हारे जो भी ज़िंदगी के बारे में मंसूबे हों, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हमें ये जानना चाहिए कि इंग्लिश एक आलमी ज़ुबान बन चुकी है, एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान। कासिम यू आर राइट, अंकल चचा जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई विल कीप दैट इन माई माइंड, मैं ये बात अपने जहन में रखूँगा। माई वैन हैज़ कम एंड मस्ट गो नाउ, मेरी गाड़ी आ चुकी है और मुझे अब ज़रूर जाना होगा। अल्लाह हाफिज़ अंकल, अल्लाह हाफिज़। आइए अब इसकी ग्लॉसरी पढ़ते हैं, मुश्किल वर्ड्स। ग्लॉसरी का मतलब होता है फरहंग। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब है लैकिंग समथिंग, शॉर्ट कमिंग, यानी किसी चीज़ की कमी। नेक्स्ट वर्ड हैज़ थॉट इट फिट, इसे मुनासिब समझना। इंग्लिश मतलब बनेगा हैज़ थॉट इट प्रॉपर। नेक्स्ट वर्ड है गो इन फॉर, किसी चीज़ का इंतखाब करना या किसी चीज़ में जाना। टू चूज़ समथिंग एज वंस कैरियर, पेशे के हिसाब से किसी चीज़ को मुंतखब करना। पर्टिकुलरली नेक्स्ट वर्ड है, पर्टिकुलरली का मतलब है ख़ास तौर पर, इंग्लिश में बनेगा स्पेशली। रिकवर्ड, सेहतयाब होना। टू गेट बैक वंस हेल्थ, अपनी सेहत वापस लौटना। एक्स्ट्रा इजाफी, मोर देन और बियॉन्ड व्हाट इज़ यूजुअल। एक्स्ट्रा का मतलब है इजाफी, ज़रूरत या मामूल से ज़्यादा होना। फिनिश का मतलब ख़त्म करना, टू कम टू एन एंड।